तुम दोनों ना तो मिल सकते हो, ना बातचीत कर सकते हो, ना एक दूसरे को देख सकते हो। आई बात समझ में? ये क्या बात हुई? अब मैं गुलाबों को देख भी नहीं सकता। ये इम्तिहान नहीं है, सजा है, और सजा की शर्त नहीं हुई थी। ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। प्यार और इम्तिहान, ये सब चीजें चल रही हैं, और हम भी आगे बेचारा मजबूर हो गया अभी आज, मतलब खाना भी नहीं साथ में खा रही है। ये कैसी परीक्षा आपकी? वो क्या है ना, जो हमारी गुरु माताएं हैं तीन, ये उनके डिसीजंस हैं। अभी मैं पूरी तरह से उनके ऊपर ही डिपेंड कर रही हूँ। मैंने भी उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई है कि जैसा वो भविष्य तय करेंगी वैसा ही सौम्या का भविष्य रहेगा। इसलिए अब उनको लगता है कि भाई इनको खाना भी इकट्ठे नहीं खाना चाहिए, तो वो आके धावा बोल देती हैं कि खाना आप कैसे इकट्ठे खा सकते हो, पहले कुछ कमा कर लाओ उसके बाद खाना मिलेगा। नंबर दो, वो अपनी जगह पे सही भी हैं, क्योंकि उनको कहा जा हरमन को कहा जाता है कि एक रात दी जाती है तुम्हें सोचने के लिए, तो उसे रात सोचने के लिए दी थी, कोई प्यार मोहब्बत करने के लिए थोड़ी दी थी। अत्याचार हो रहा है, मतलब हरमन खुद बोल रही है तो अत्याचार हो रहा है। परीक्षा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन इतना तो छूट देनी चाहिए। देखिए, उसे जितना ज़्यादा हम सख्ताई से पेश आएंगे, उतनी शिद्दत से वो इस चीज़ को सौम्या को पाने के लिए मेहनत भी करेगा, इसीलिए उसके ऊपर ये सारी सख्ताई की जा रही है।